अरे पूछना, सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज 22 अप्रैल 2023 एक विशेष दिन है। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि ये अक्षय तृतीया है, उससे भी बड़ा एक विशेष कारण है, क्योंकि महाविष्णु, जिनकी दिव्य देह से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हर एक श्वास से, हर एक छिद्र से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो महाविष्णु के स्रोत। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो कि बाद में सृष्टि करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि क्षीर सागर में से शयन करते हैं, और फिर अपने को विस्तृत करके हर एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ये तीनों विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों के स्रोत भगवान कृष्ण आप सभी के बीच में, उनके विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में सेवा लेना आरंभ करेंगे। ये है वो शुभ अवसर जो इस दिन को विशेष बनाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में मेरा एक अनुरोध भी है कि जब आप श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करिए और सेवा करिए, तो ये इस चीज का विस्मरण करिए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने बार बार अवतार लेके हम सबको एक नया मार्ग दिखाया। ये वही कृष्ण है जिनके नरसिंहदेव के अवतार में तीनों लोग थर थर कांपने लगे थे। असुर तो डर ही रहे थे, उनमें से बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध भी किया, देवता तक भी डर गए थे उनका बीभत्स रूप देख करके। लक्ष्मी देवी भी स्वयं डर गई थी, उनके पास नहीं जा रहे थे। प्रहलाद महाराज नहीं डरे थे, उन्होंने तो उनके उस उग्र रूप को शांत कर दिया था। वही नरसिंहदेव जिन्होंने श्री राम जी के अवतार में धर्म का और मर्यादा का